नहीं अगस्त्य, अपने जख्मों को ऐसे मत खुजलाओ, वो और गहरे हो जाएंगे। दवाइयाँ का पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं अगस्त्य, क्यों दवाइयाँ दो अवंतिका। अगस्त्य नहीं दे सकते हम, तुम्हारे खून की रिपोर्ट आई है, तुम्हें इस दवाई से एलर्जी है। देखो अगस्त्य, दवाइयाँ दो मेरी। नहीं अगस्त्य, दर्द देने की खुशी तो मिल गई तुम्हें, दर्द में देखने की खुशी नहीं मिलने दूंगा। जाओ यहां से। अगस्त्य, खुशी हमें तब होती अगर तुम्हारे सारे दर्द हम अपने ऊपर ले लेते, लेकिन हम कन्नू जी की कसम खाते हैं कि तुम्हें इस दर्द से निकाल के रहेंगे। तुम्हारी वजह से मेरा दर्द ठीक हो जाए, इससे बढ़िया दर्द में मरी जाऊं। जाओ यहां से, निकलो अगस्त्य, निकलो यहां से। अवंतिका, बेटा अगस्त्य की तबीयत कैसी है? हम एक काम करते हैं, उसके लिए लेप बना लेते हैं। तुलसी जी तो घर में नहीं है। नीलगिरी के पत्ते? नहीं बेटा, नीलगिरी भी नहीं है। मुझे माफ करना अवंतिका, फैक्ट्री का काम संभालते संभालते हम रसोई के कामों पे ध्यान ही नहीं दे पाए, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, ये सारा काम तुम संभाल लेना और रसोई भी। ये तो आते ही हमारी सत्ता हिला रही है। जब से इस घर में आई हो तब से रोज कोई नया कांड हो रहा है। माँ, क्या पता कौन सा काला जादू कर रही है लड़की। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ, अवंतिका तो हर बार ढाल बन के खड़ी हुई है अगस्त्य के लिए। कितनी बार अगस्त्य की जान बचाई है आपने देखा है ना। अवंतिका बेटा, तुम बताओ क्या करना है, हमें बताओ। कोई बात नहीं कुमुद माँ, आप फिक्र मत करो, हम एक काम करते हैं, हम दालचीनी का लेप बना देते हैं। ये सही रहेगा। ए सुनो, ये झाड़ फूक का इलाज नहीं चलेगा हमारे पोते पे। अरे तबीयत और बिगड़ गई तो? माँ, कुमुद माँ, कुमुद माँ, हमारा विश्वास कीजिए, ये घरेलू नुस्खों में बहुत ताकत होती है। आयुर्वेद में भी इनका जिक्र किया गया है और अगस्त्य को बहुत राहत मिलेगी। हम बना लेते हैं। बना लो बेटा। गुरुजी का फोन। प्रणाम गुरुजी, हमारे घर पे विपदाओं का पहाड़ टूट गया है, कुछ ना कुछ गलत होते ही चले जा रहा है, अब इन सब का निवारण आप ही कीजिए गुरुजी। जी, जैसा आप ठीक समझे। प्रणाम। माँ, महागुरुजी का फोन था, वो कल पधार रहे हैं घर पे, देखिएगा अब हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। अवंतिका, कल महागुरु जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी के लिए हमें थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना होगा, तुम अगस्त का ख्याल रख लोगी ना? जी कुमुद माँ, हम जल्दी से ये लेप बना लेते हैं, अगस्त को बहुत राहत मिलेगी, आप बेफिक्र होके जाइए।
ठीक है अवंतिका, अगस्त ने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा प्यार और समर्पण देख के बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों के वैवाहिक जीवन में भी सब ठीक हो जाएगा। हम आते मां। लड़की की वजह से हमारा पोता बेसुध पड़ा हुआ है और अब अंधा करके छोड़ेगी। ये हवा कहाँ से आई? माँ, माँ आपको क्या हो गया? अरे क्या बताया वंतिका, हमारा पैर टूट गया। डॉक्टर के पास ही अभी अभी आए हैं। हाँ माँ आप आए आराम से। माँ ऐसी हालत में आप अकेले, पापा कहाँ हैं? अरे क्या बताएं तुम्हारे पापा का, हाँ चार धाम की यात्रा पर गए हैं। तुम्हारे बचपन से लेकर एक ही तो मन्नत थी उनकी कि तुम्हारी शादी अगस्त्य के साथ हो जाए। अब जब हो गई तो अपनी मन्नत पूरी करने चले गए। और तृष्णा, तृष्णा गई है लखनऊ अपनी दोस्त की शादी पे, तो हम रह गए अकेले। हम कहाँ जाते, इसलिए यहाँ आ गए। नहीं नहीं माँ, आपने बहुत अच्छा किया। आप एक काम करो, आप बैठो, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। सुनो, हमारा घर कोई आश्रम नहीं है। जरा आराम से। हाँ, इस घर की समधन है हम। माँ लीजिए। माँ वो क्या है ना कि अगस्त्य को मधुमक्खियों ने काट लिया, तो हम उसी के लिए लेप बना रहे थे। आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, फिर हम आपके लिए चाय बनाएंगे। हम हाँ हाँ कोई बात नहीं, चल गजनी बहू। पापा भी ना, आप इस हालत में उनको तीर्थ पे चले गए। क्या कर रही हो किरण, क्यों हमारी बेटी का घर बर्बाद कर रही हो? इतने सालों तक उसने हमारी ममता देखी है, अब कटुता देखेगी। क्या कहा था उसने कि उसका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, हम भी नहीं। अब कोई भी चुनौती किरण सिन्हा से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। और फिर इस काम के तो हमें पैसे भी मिलेंगे, पूरे 5 करोड़। हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम ऐसा। नहीं, 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 नहीं। अब बोलो बोलो बोलो, कैसे बोलोगे? अरे बुढ़ाऊ, पहले खुद को हमसे तो बचा लो, अवंतिका को बचाने के बारे में बाद में सोचना। हाँ सड़ो यहाँ पर, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, सड़ो यहाँ पर। अरे बेटा, वो ना पुण्य कमाने गए हैं और उसका फल हम सबको मिलेगा। अच्छा माँ, लेप बन गया, हम लेकर जाते हैं। माँ बैठिए, हम आते हैं। हाँ तू अगस्त्य के जख्मों पर मरहम लगाना चाहती है ना, हम उस पर नमक ही नहीं मिर्ची भी लगाएंगे। हमें लगा था थोड़ा सा समय लग जाएगा तुझे इस घर से निकलवाने में, पर तूने तो उसका मिश्रण पहले से ही तैयार रखा है।
दादी चाची प्लीज हट जाइए, अगस्त्य बहुत दर्द में है, हमें उन्हें ये लेप लगाना है। ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये लेप लगाने से अगस्त्य का दर्द चला जाएगा? चला जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चला जाएगा। अच्छा, अगर हम तुम्हें एक तरीका बताएं जिससे अगस्त्य का दर्द फटाफट चला जाए तो? कैसे? तुम्हें अगस्त्य का दर्द अपने ऊपर लेना होगा। अभी का क्या, हम तो अगस्त्य की जिंदगी में आने वाला हर दर्द अपने ऊपर ले लेंगे। अब बताइए ना कैसे। तुम्हें इस कढ़ाई के अंदर पैर रख के तपती हुई रेत का दर्द सहते हुए अगस्त्य को लेप लगाना है, बस। ये कैसे नुस्खा है? अच्छा, तो सिर्फ बातें थी। हाय हाय, हम तो अगस्त्य का सारा दर्द अपने सर पे ले लेंगे, और जब करने की बारी आई तो सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। अगस्त्य के दुख हरना हमारा कर्तव्य है, और अगर 1% भी संभावना है कि ऐसा करके अगस्त्य के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे तो हम ये करने के लिए तैयार हैं। सुन सकोगे? सुनेंगे अवंतिका, जरूर सुनेंगे। पता है, इस विधि को करने से ना मनुष्य पर मंडराता हुआ हर अपशगुन चला जाता है, ऐसी मान्यता है इसकी। चीखे निकल जाती, और ये गरम कढ़ाई में खड़ी है, पता नहीं कौन सी ताकत है इसके साथ, पक्का काला जादू करती होगी ये गरम जली। बड़ी जली कटी बातें सुना रही थी ना हमें कल, यही होता है जो किरण सिन्हा को जली कटी बातें सुनाता है।
अभी तो सिर्फ तेरे पैर जले हैं, एक बार ये मिर्ची वाला लेप तेरे अगस्त्य को लगने दे, फिर देख तेरा वैवाहिक जीवन भी कैसे चल के राख हो जाएगा। ये क्या टोटका है? अब तक तो अगस्त की इतनी चीखें निकलनी चाहिए थी कि बिना लाउड स्पीकर के पूरे प्रयागराज में सुनाई देती। लगता है किसी ने हमारे लेप के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। ये पैंतरा तो फेल हो गया। चल किरण, नया कारनामा कर। हाय हाय, हमारी फूल सी बच्ची को कितने प्यार से रखा था हमने। जब से इस घर में आई है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है। अरे अपशगुन तुम्हारी बेटी के साथ नहीं, हमारे पोते के साथ हो रहा है, इस घर में हो रहा है। कभी अपहरण हो जाता है, कभी मधुमक्खियों का हमला हो जाता है, और न जाने क्या क्या होता रहता है। ओह, आपका क्या कहने का मतलब है कि हमारी बेटी अपशगुनी है? जब से इस घर में आई है तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है, उसके पैर अपशगुनी है। हाँ, ऐसा बोलना चाहती हैं आप? बोलिए, ऐसा बोलना चाहती हैं आप? हाँ हाँ, ये है अपशगुनी। इस घर में जितने अपशगुन हो रहे हैं ना, यही ये सारे अपशगुन लेके आई है। जी, लोगों की बहू घर में लक्ष्मी बन के आती है, लेकिन हमारी ये बहू अलक्ष्मी बन के आई है। हमारे पोते पर जितने भी कष्ट आए हैं वो सब इसकी वजह से हो रहे, यही लेके आई है, यही अपशगुन ही है। कभी भी कोई भी कष्ट नहीं दे सकते। अब तो उसके सारे कष्ट अपने सर पर ले लेंगे। अवंतिका, ध्यान से। अवंतिका, अवंतिका बेटा इधर आओ, इधर आओ, बैठो बैठो बैठो।
अवंतिका, 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 बेटा, अवंतिका, उठो बेटा, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? कोई बताएगा? पर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है ये सब? अवंतिका, अवंतिका, बेटा आंखें खोलो। हाय 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 हाय, ये क्या लिखा है इस किताब में? पति के कुशल मंगल के उपाय करते समय पत्नी बेहोश हो जाए तो उसका मतलब है, पता है उसका मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? कैसा नहीं हो सकता, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब वो कि पत्नी पति के लिए अपशगुनी है।